मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है, तभी अचानक वेदर चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक जमीन पर आ गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है, लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं है बल्कि एक एंशियंट बुक है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का एक लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को एक पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेले रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो एंशिएंट बुक याद आती है, फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है। पर ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, ये बुक रूल्स से भरी हुई थी, यानी इस बुक को रखने के लिए भी रूल्स थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है जो इंसान नहीं था बल्कि एक क्रिएचर था और दिखने में बहुत ही अजीब था और वो काफी डरावना और क्रीपी लुक दे रहा था और लाइट उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं है बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता, और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक खुलती है वही इसका ओनर होता है, यानी उस वक्त इस बुक का ओनर लाइट था। और इस बुक की खास बात यह है कि जिसका भी नाम इसमें लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपने पसंद के तरीके से मार सकता है, जैसे वो कोई तरीका चूज करके बुक में लिख दे तो मरने वाला उसी पैटर्न या उसी तरीके से मरेगा। पर ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। लाइट फिलहाल तो इस बात पर यकीन नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो इस बुक का ओनर होता है। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि उसको 7 दिन में कम से कम एक नाम तो लिखना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया और किसी का भी नाम नहीं लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम इस बुक में लिखने की शर्त ये है कि ओनर को उस पर्सन का नाम और फेस याद होना चाहिए और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में पॉसिबल है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें इस बुक को जरूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नॉटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा था, तो उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उसी लड़के का नाम लिख देता है और उसकी मौत का तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो अचानक से बदल जाता है। दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की लेडर्स पड़ी हुई थी जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट के साथ साथ सब ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ भी एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सच है। इसी वजह से लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इस बुक का मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर किया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले पा रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता है। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट्स में लिख दूं, और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट्स में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी डेथ हो जाती है। जब बाप बेटे को उसकी डेथ की खबर मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर की डेथ का बदला ले लिया
और लाइट और उसके फादर का भी रिलेशन अच्छा हो जाता है। फिर लाइट सोचता है आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों में कैसे यूज करूं। लाइट स्कूल में बैठा ये बात सोच रहा था तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है इसलिए लाइट उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दें तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात पर बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूफ करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट्स में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और फेस मालूम था तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफी शॉक हो जाती है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोगों से मतलब क्रिमिनल्स, मर्डरर्स जैसे लोग। अब ऐसा करने के लिए नाम और चेहरे उन्हें आसानी से इंटरनेट से मिल सकते हैं। इसलिए वो दोनों बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग एक एक करके मरने लगते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वालों पे अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था जो कि था कीरा। यानी जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर कीरा लिखवा देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो गलत काम करना छोड़ दें कि अब सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सारे बुरे लोगों को मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम दुनिया से बुरे लोगों का खात्मा तो होगा। तो पुलिस उसे ढूंढने लगती है क्योंकि अब था तो वो एक किलर ही। अब क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक कोई पहुंच नहीं पाता। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव इस केस को संभालने लगता है और वो डिटेक्टिव का नाम एल होता है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट था जो कि अपना फेस हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नाम भी किसी को नहीं पता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। फिर एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ क्योंकि एल काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है। अब लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाएं। लाइट और मिया काफी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफी कुछ सोचा था कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा पर यहाँ तो उन्हें पकड़ने की साजिश की जा रही थी क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन बढ़ा दी थी। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए जबकि आधे लोग कहेंगे कि इसने सब कुछ कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट और भी टेंशन में आ जाता है और वो ये सारी बात मिया को बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि एल के शक के दायरे में वो सारे लोग हैं जिनमें लाइट भी शामिल है क्योंकि वो अपने फादर का डाटा इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देख मियां को बुरा लग जाता है क्योंकि ये सब करके मियां काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मियां के लिए एल उनके रास्ते का पत्थर बन गया था लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने उसका चेहरा देखा था जो कि बुक का रूल था। लाइट और मियां इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि इस बुक में सारे एजेंट्स का नाम लिखना चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं ताकि बाकी डिटेक्टिव्स कीरा से डर जाएं और मजबूरन उन्हें ये केस बंद करना पड़े। ये सब कुछ मियां करना चाहती थी लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए मियां को भी लाइट की बात माननी पड़ती है और उससे वो एग्री करती है। और दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब उस पर शक ना आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लेते हैं जो इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे तो फिर ये नाम किसने लिखे थे। यहाँ से सिचुएशन खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को ही मार रहा था
इसलिए सब उसे हीरो समझ रहे थे। लेकिन अब उसने तो पुलिस को ही मार दिया, इसलिए अब वो हीरो नहीं रहा बल्कि खतरा बन गया है जो कि किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी चिंतित हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज कर देते हैं कि इनोसेंस लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के बताओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मियाँ देख रहे थे। गुस्से में आकर मियाँ लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम लिख दो उस बुक में। वो मियाँ को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिससे कि एल का शक लाइट पर जो था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव ही हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसलिए रात को एल लाइट से मिलता है और उससे सच कबूल करवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है ये सब करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियाँ एल को कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है, एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका दोस्त जरूर जानता होगा। लाइट एल के दोस्त का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब इस बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर किसी का नाम वाला पेज जला दिया जाए तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। बट एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अब एल का दोस्त तो लाइट के कंट्रोल में आ जाता है, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उससे कहता है, किसी भी तरह एल का असली नाम पता करो। तब एल का दोस्त बताता है कि वो एक एकेडमी में जाता था, तो शायद वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नाम हो। इसलिए लाइट तुरंत उसे एकेडमी जाने के लिए कहता है। एल का दोस्त ऐसा ही करता है और एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था, जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिसपे एल के दोस्त का नाम लिखा है। इससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका दोस्त मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी परेशान हो जाता है, इसलिए एल बिना इन्फॉर्म किए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि उनका बेटा ही असल कीरा है और इसी ने मेरे दोस्त को भी गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और ना ही वो एंशिएंट बुक मिलती है, क्योंकि मियाँ उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं एकेडमी पहुंच गया हूँ और उसके पास थोड़ा ही टाइम रह गया था, और एल का दोस्त बस नाम बताने ही वाला होता है। और जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो देखता है कि वहां पर तो पेज है ही नहीं बल्कि पेज गायब हो चुका है। इसलिए नाम बताने से पहले ही एल का दोस्त मर जाता है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मियाँ ये राज रिवील करती है कि एल के दोस्त के नाम का पेज उसी ने फाड़ा था, और तो और पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी उसी ने लिखे थे। फिर वो बताती है कि अब उसने लाइट का नाम भी लिख दिया है उस बुक में, और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है, अगर तुम मुझे ये बुक दे दो तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मियाँ ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार में फंसाया। और जब एल को अपने दोस्त की मौत के बारे में पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है, लेकिन एल वहाँ खड़े एक शेफ से कहता है कि ये ही कीरा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है, क्योंकि वो एक कीरा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट मियाँ को साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं और वो ऊपर ही फंस जाते हैं। और इतनी ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट मियाँ को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती और वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। यह देखकर लाइट मियाँ को कहता है, ये तुमने बहुत गलत किया। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है
उस बुक में लाइट ने उसका नाम भी लिख दिया है। अब दोनों के नाम ही बुक पर थे तो सडनली दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि कोमा में चला गया था। इस दौरान और भी क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया, लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मियाँ और लाइट झूले से गिरे थे, तब एक पेज उस बुक से निकलकर आग में गिर जाता है और जल जाता है, और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की थी कि जब उसे पता चला कि मियाँ ने उसका नाम बुक में लिख दिया है, तो उसने बुक में ये लिखा कि अगर मियाँ उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी, और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा है वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों का नाम भी बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है, और बाद में वो डॉक्टर खुद भी सुसाइड कर लेता है। फिर एक आदमी उस बुक को लेता है और बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार मियाँ के घर की तलाशी लेता है, और वहाँ उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मियाँ पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर उसे ये सीख मिल गई थी कि आज के बाद किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऐसी ही अच्छी मूवीज आती रहेंगी।